हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणपते नमः। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां विराजमान भगवान गणेश स्वयंभू हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य श्री स्वयंभू गणपति मंदिर के। ये मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुंगवली गाँव में स्थित है। भक्तों की आस्था के अनुसार यहाँ विराजित भगवान गणेश सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यह हमारा मंदिर 350 साल पुराना है। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से है और यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे पब्लिक आती है और पूजा अर्चना होती है। मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि लगभग 350 वर्ष पूर्व महाराज छत्रपति शिवाजी के समय कोई किसान अपने खेत में यहाँ हल चला रहा था। हल चलाते हुए उसके हल का लोहे का टुकड़ा जो नीचे जमीन में गड़कर चल रहा था वो किसी पत्थर में अटक गया और किसान ने देखा कि जमीन के इस भाग से रक्त निकलना प्रारंभ हो गया है। उसके देखते देखते वहां बहुत सारा रक्त इकट्ठा हो गया। ये देखकर वो डर गया और फिर वो अपने गाँव से कुछ लोगों को उस स्थान पर लेकर आया। जब सबने वहाँ रक्त देखा तो पास के गाँव गोरेगाँव से एक पंडित को बुलाया गया। पंडित जी ने वहां पर खुदाई करवाई तो देखा कि गणेश जी की मूर्ति से रक्त बह रहा है। पंडित जी ने सबको बताया कि ये गणेश जी का स्थान है और गणेश जी यहां से प्रकट हुए हैं, अतः सविधि यहां गणेश जी की स्थापना की जाए। इस स्थान पर गणेश जी की स्थापना के पश्चात गांव में सुख शांति का निवास हो गया। श्री गागोजी रंगे टेढ़ गूरे ने यहाँ पर मंदिर के लिए अपनी जमीन दी और इस प्रकार से यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर में जो भी भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा उपासना करता है उसकी मनोकामना गणेश जी अवश्य पूर्ण करते हैं। माघ मास की चतुर्थी को यहाँ गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है जिसमें गणेश जी की बहुत बड़ी यात्रा निकलती है। इस अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। माघी चतुर्थी यानी माघ महीने के चतुर्थी में इनकी बड़ी यात्रा भरती है, यानी कि बड़ा यहाँ पे एक उत्सव साजरा किया जाता है। इस उत्सव में रायगढ़ जिले से अपने पूरा महाराष्ट्र से लोग आते हैं। बहुत बड़ा जल्लोष से साजरा किया जाता है। उस दिन भी सुबह से लेकर शाम 12-1 बजे तक यहाँ पे गणेश जी की पूजा हो जाती है। दूर दूर से लोग इस उत्सव में इकट्ठे होते हैं और बड़े उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। ये उत्सव गणेश जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें इस मंदिर के परिसर की तो ये परिसर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है। यहाँ पर बहुत संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होकर संकीर्तन एवं पूजा पाठ करते हैं। खेतों के बीच में बना ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ स्वच्छ और निर्मल तथा दिव्य वायु निरंतर प्रवाहित होती रहती है। मंदिर प्रांगण में मन आनंद से झूम उठता है तथा गणेश जी भगवान के दर्शन कर मन को विशिष्ट आत्मानुभूति होती है। मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन स्वयं प्रकट स्वयंभू गणेश जी की मूर्ति स्थापित है जिनकी पूजा और अभिषेक भक्त बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। गर्भगृह के सम्मुख एक हवन कुंड है जिसमें समय समय पर हवन किया जाता है। एक शेड से मंदिर का प्रांगण ढक दिया गया है जिसमें धूप, बारिश और सर्दी से भक्तों का बचाव हो सके। मंदिर के पास ही भक्तजनों के लिए आवास का भी प्रबंध है तथा भोजन प्रसादी के लिए यहीं पर रसोई की व्यवस्था भी है। इस दिव्य गणेश मंदिर के दर्शन कर आप अपने आप को धन्य अवश्य करें। यदि आप श्री स्वयंभू गणपति मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं
तो रायगढ़ में वरद विनायक मंदिर, बल्लेश्वर मंदिर, हरिहरेश्वर मंदिर, कनकेश्वर मंदिर, सुवर्ण गणेश मंदिर आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर में आरती के दर्शन एवं आनंद लेने के लिए प्रातःकालीन आरती 6:30 बजे तथा सायंकालीन आरती 7:30 बजे होती है। यदि आप रायगढ़ में श्री स्वयंभू गणपति मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप श्री स्वयंभू गणपति मंदिर रायगढ़ की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम पुणे हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाती है। और यदि आप श्री स्वयंभू गणपति मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो रायगढ़ रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप श्री स्वयंभू गणपति मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो रायगढ़ आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा रायगढ़ पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री स्वयंभू गणपति मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और गणेश जी की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री गणेश जी। इति शुभम। वक्रतुंडाय धीमहि।